बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने पैतृक गांव बुढ़ाना में आज आए हुए हैं और निवास कर रहे हैं, लेकिन आज अलग छवि एक देखने को मिली है कि वो पर्यावरण प्रेमी के रूप में जो है आज विख्यात होने के लिए उन्होंने जो है 35 नीम के पेड़ लगाए हैं और 500 का इनका टारगेट है। लेकिन इसके अलावा भी जब जब नवाज अपने घर बुढ़ाना आते हैं तो यहाँ खेतों में जो इनके फार्म है ये काम करते नजर आते हैं। इनके फोटो सोशल मीडिया पर जो है लोग शेयर करते हैं। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं कि कहाँ से इनको ये प्रेरणा मिली और किस तरह से जो है इन्होंने जो है आज ये प्रोग्राम बनाया है कि पर्यावरण जो है सुदृढ़ करने के लिए पेड़ लगाए जाए। किस किस तरह के पेड़ लगाए हैं बात करते हैं। नवाज भाई, किस तरह के आज आप पेड़ लगाए? मैं स्पेशली नीम के पेड़ लगा रहा हूँ क्योंकि नीम के पेड़ से मेरा बहुत ही पुरानी मेमोरीज हैं, एसोसिएशन है, और मैं पर्यावरण में विख्यात होने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा शुरू से ही शौक था। एक्चुअली 2 साल पहले भी हमने यहाँ पे लगाए थे और प्लान है 1 साल में 5,000 के आसपास पेड़ लगाने का, स्पेशली नीम। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार वैज्ञानिक जो है पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है और लगातार अनेक आपदाएं आ रही हैं, तो लोगों में ये भी एक संदेश जाएगा कि लोगों को पेड़ काटने के बजाय लोगों को पेड़ लगाना चाहिए जिससे पर्यावरण सुदृढ़ हो सके। पर्यावरण से ये बारिश जो है, ये सब जो वातावरण है और ऑक्सीजन जो है पेड़ों से मिलती है, तो क्या आपकी आगे योजना है? देखिए, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आम आसपास के लोगों पे ही है, हम लोगों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम ही लोग पेड़ काटते हैं। घर में कोई पेड़ है तो उसको काट के वहाँ पे एक कमरा बना देते हैं, है ना? तो ये है जो बहुत ही गलत तरीका है। पेड़ मत काटिए, उसको रहने दीजिए, उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो बना दीजिए। बट कहते हैं ना प्रोग्रेसिव कंट्री या डेवलप कंट्री सिर्फ बिल्डिंगों से नहीं होती, वातावरण को अच्छा बनाने से होती है। तो जहाँ तक मानना है कि ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के लिए नीम का पेड़ के बजाय जो है पीपल के पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन आपने नीम का ही पेड़ का क्यों चुनाव किया? ये नीम के पेड़ से मेरी पर्सनल वो है, दोस्ती रही है, क्योंकि मैं जब अपने मोहल्ले में, मेरे चारों तरफ नीम के पेड़ थे, बहुत छोटी छोटी सी अपनी यादें होती हैं उनसे जुड़ी हुई, है ना? तो छोटे छोटे तोता मैना है, उसके घोंसले में बैठे हैं, उसको उतारना चढ़ना नीम पे, ये वो तो एक एसोसिएशन है। और ऑफकोर्स ऑक्सीजन के लिए जैसे आपने बताया पीपल का पेड़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, नीम का पेड़ भी इम्पोर्टेंट होता है। तो फिलहाल तो हमारा टारगेट है नीम के पेड़ का 5,000 के आसपास, उसके बाद हम पीपल के बारे में भी सोचेंगे। मैं भी क्योंकि बुढ़ाना से निवास करता हूँ, बचपन से मैं देखता आया हूँ कि आप में अलग तरह की एक जो एक्टिविटी है, बचपन से ही आपको जो है रंगमंच का, यानी कि स्कूल टाइम में भी आप जो है ड्रामों में भाग लेते थे, गाने गाते थे, अलग एक तरीके से आपने छवि बनाई है। तो आज बॉलीवुड में भी जो है लोग आपको जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से जानते हैं। बुढ़ाना में जब आते हैं तो आपका रुख जो ज़्यादातर होता है वो खेतों की तरफ होता है, अपने फार्म हाउस की तरफ होता है, ऐसा क्यों? मुझे सुकून मिलता है क्योंकि मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ कि जहाँ पे एक ऐसी हॉच पॉच है, क्योंकि वो कम भूमि है मुंबई मेरी, बट वहाँ पे क्या है कि वो ऐसा खेत खलियान है दूर आउटर मुंबई में, मैंने अपना मेरी एक जगह है वहाँ पे है, वहाँ चला जाता हूँ सर में, तो मुझे ऐसी जगह पर ज़्यादा सुकून मिलता है, तो यही है बस। बाकी तो मैं कोई खास हूँ, शहरों में जैसा भीड़ भाड़ है, भाग दौड़ है, प्रदूषण भी जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या उससे बचने के लिए आप 1 साल में तो जो है आते ही हैं, गर्मी का समय ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफ़ी समय से आप बुढ़ाना में आके व्यतीत करते हैं, कैसी खुशी आपको यहाँ मिलती है? देखिए, मेरी अगर शूटिंग मुंबई में है तो मैं मुंबई में रहता हूँ, अदरवाइज़ मेरी शूटिंग जो है बाहर बाहर होती रहती है, ज़्यादातर तो बाहर ही होती है, लेकिन मुंबई में तो बहुत कम शूटिंग होती है। तो जब मुंबई में रहता हूँ थोड़ा सा, अगर एक महीना रह रहा हूँ तो थोड़ा सा एक होने लगता है कि थोड़ा सा बाहर घूमा जाए, बाहर चला जाए, खेतों में जाया जाए, ऐसा फील होने लगता है। तो ये है, हालांकि मुंबई में जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे भी बहुत ग्रीनरी है, और आई थिंक जो भी ग्रीनरी वाले एरिया हैं मुंबई में वो सबसे खूबसूरत लगते हैं मुझे। आई थिंक जैसे वापस से शुरुआत की है तो पेड़ वहाँ पे भी लगाए जा रहे हैं जगह जगह पे, और जिस एरिया में मैं रहता हूँ मेरी यारी रोड पे, तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पार्क बहुत है वहाँ पे, ग्रीनरी है,
तो इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता, बट हाँ चूँकि रास्तों में थोड़ा सा पोल्यूशन ज़्यादा होता है, बट उसके लिए भी कर रहे हैं वहाँ पर। मुस्लिम बाहुल्य जो हमारे क्षेत्र में गाँव है, ज़्यादातर उनमें लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, लेकिन कल आपने एक जो है वीडियो वायरल की है, सोशल मीडिया पर वीडियो आई है, तो आज काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं कि जो है नवाज भाई ने जो अपील की है उस पर जो है लोगों ने वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी है। तो एक साथ आपने आज दो काम किए हैं, एक तो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जो है अपील की है, और दूसरा ये जो है पर्यावरण को सुधार करने के लिए जो है नीम के पेड़ लगाए हैं। तो क्या आप पंजाब के इसी पर लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, हालांकि वो हमारे SDM साहब जो थे उन्होंने मुझे बोला था, हम लोगों की मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोला था कि भाई अगर आप बोल देंगे तो बहुत अच्छा होगा, और मेरा मन भी था, तो मैंने वीडियो बना के उनको दी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत ही सेफ है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। और कोरोना जो है अभी गया नहीं है, थोड़ा कम हुआ है, इसलिए लॉकडाउन खोला गया है। इससे थोड़ा सा खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कि मास्क लगा के रखें, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करें और हाथ हाथ धोते हैं। क्या जैसे कोरोना पहली बार आया था, पहली बार इतना जो है इसने गदर नहीं मचाया था, लोगों की इतनी मौतें नहीं होती, लेकिन इस बार जो देखा गया है लोगों की काफ़ी मौतें हुई हैं, और कोरोना ने अपना भयंकर रूप दिखाया है। आने वाली एक तीसरी स्टैंड भी है, उसमें से बचाव के लिए क्या लोगों को आप संदेश देंगे? बचाव के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, मास्क, सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, यही एक बचाव के तरीके हैं। और जितना हो सके अगर बहुत ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलें, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, है ना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि काम ज़रूरी होते हैं, बाहर जाते हैं तो काम करना होता है, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके करें, थोड़ा डिसिप्लिन रखें। तो नवाजुद्दीन जी सिद्दीकी ने आज जो है दो संदेश लोगों को दिए हैं, एक पर्यावरण प्रेमी के रूप में, और दूसरा जो है लोगों में जो एक अफवाह चल रही थी कि वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए, वैक्सीनेशन इन्होंने कहा है, अपील की है कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और लगातार जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी लोगों के लिए और अपने समाज के लिए या कहें कि अपने ज़िले के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हमेशा जो है सुर्खियों में बने रहते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ फल कुमार पवार, पंजाब केसरी टीवी, मुजफ्फरनगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।